नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में नेताओं द्वारा एक दूसरे पर जमकर वार किया जा रहा है। वहीं कुछ नेता तो अपने कैंडिडेट्स के लिए एक दूसरे से ही उलझ जा रहे हैं। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में उथल पुथल बरकरार है। अब इस सब के बीच लोजपा के चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को लॉन्च करने का फैसला ले लिया है। शांभवी चौधरी का समस्तीपुर सीट से नाम फाइनल हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला लिया है। चिराग ने समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। इसमें लोजपा रामविलास ने तीनों सीटों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। चिराग ने अपने दो पुराने सहयोगियों को बेटिकट कर दिया है, जबकि दो खास लोगों को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। इसमें खगड़िया और समस्तीपुर में चिराग ने महबूब अली कैसर और प्रिंस पासवान को बड़ा झटका दिया है। वहीं वैशाली सीट को लेकर चिराग ने एक और बड़ा फैसला लिया और अपने पुराने सहयोगी पर भरोसा जताया है। समस्तीपुर से एक बड़ा फैसला लेते हुए चिराग ने शांभवी चौधरी के नाम पर सहमति जताई है। शांभवी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चौधरी की बेटी है। जदयू नेता अशोक चौधरी ने पिछले दिनों चिराग से मुलाकात की थी। तब से ही शांभवी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं जोरों पर थी। पहले शांभवी के जमुई से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब चिराग ने शांभवी को समस्तीपुर से मौका देने का योजना बनाया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित समस्तीपुर सीट से उतरने वाली शांभवी की शादी करीब 2 साल पहले पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव किशोर कुणाल के बेटे से हुई थी। अब शांभवी सियासत में एंट्री मारने को तैयार है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।